इधर पे जिप कार, उसके बाद मेरा आर 5 और उसके बाद एक स्कूटी, ठीक है। सो ये तीनों पूरा उसके सामने एक बार बाइक रख के फोटो निकालने से कैसा होता। सो गाइस अभी हो रहे सुबह के लगभग कुछ, मतलब अभी बता रहा हूँ रुको। सो गाइस अभी हो रहे सुबह के लगभग 6 बज गए और हम लोग का निकलने का टाइम था 5:30 बजे और बारिश की वजह से हम लोग लेट हुआ, नहीं तो सब मतलब पूरा आगे से पहले से रेडी होके तैयार होके सब बैठे थे। सिर्फ बारिश की वजह से हम लोग थोड़ा लेट हो गए। अभी घर से निकल के थोड़ी दूर आया और मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। और आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं, किस पे जा रहे हैं, आज हम लोग ऑब्वियसली बाइक पे ही जा रहे हैं। बाइक पे राइड करने का एक अलग मज़ा है और सामने पूरा ग्रुप है उधर पे। सो कौन सा बाइक जा रहा है, क्या जा रहा है, सब मैं दिख वीडियो के देर से शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, सो बी कैन यू गाइस वॉच एसएम ब्लॉग्स। और अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको कि हम लोग जा रहे हैं कौन कौन और क्या क्या बाइक जा रहे। देखो इधर पे जिक्सर, उसके बाद मेरा आर 5 और उसके बाद एक स्कूटी, ठीक है। सो ये तीनों पूरा और हम लोग जा रहे हैं, 6 बंदे जा रहे, ठीक है। और कहाँ जा रहे वो तो वीडियो के एंड या लास्ट तक। बारिश हो रहा था, पूरा पानी वगैरह है और हम लोग ने रिक्स ले लिया और रिक्स ले कर निकल भी गया। और भाई लेट्स सी आगे आगे चलते और आपको मिलते सीधा मोटरबाइक सेटअप पे। सो गाइस फाइनली इधर पे इंट्रो और उसके बाद सिनेमेटिक शॉट, दोनों चीज़ शूट करने के बाद अभी हम लोग निकल रहे हैं टूवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन। अब डेस्टिनेशन कहाँ है वो तो आगे जाके आपको पता चलेगा। रास्ता गाइस कवर करना होगा, अभी बहुत सारा रास्ता बाकी है, लगभग 100 किलोमीटर के आसपास। बाकी भाई वेदर बहुत ही अच्छा है भाई, ठंडा ठंडा कूल कूल वेदर, एक नंबर। यही खासियत है, मतलब यही अच्छी चीज़ है, जब आप जल्दी सुबह सुबह थोड़ा निकल जाओ ना तो यही अच्छी चीज़ है। ट्रैफिक भी नहीं मिलता आपको ऊपर से, और इधर भी अच्छा मिल जाता है आपको भाई, सभी दोनों चीज़ में अच्छा हो जाता है। तो इधर से लेफ्ट लोगे तो आप हल्दिया तो पहुंच जाओगे और राइट लोगे तो कोलकाता की तरफ और सीधा दिखा। सो हम लोग को जाना है सीधा, अभी ये लोग तो दिखा रहे हैं, सिग्नल तो नहीं है फिलहाल, देख के निकलना पड़ेगा बस। आ गया ओम शांति, वो आ गए ये जहां अब आएगा मजा। अब लग रहा है एबार एक मन हो चुकी है, बोले एबार एक मन हो चुकी है कोलकाता जाची बोले। तो बस दीघा रोड बहुत अच्छा हो गया पहले से, पहले तो और भी टूटा फूटा था तो इसलिए मजा आएगा। थोड़ा बहुत रास्ता खराब है थोड़ा बहुत, और जो वेदर भी मौसम भी एक नंबर है, चंगा है चंगा, मौसम बढ़िया है और गर्मी का कोई चांस नहीं लग रहा है अभी तो फिलहाल। लेट्स गो,
बाकी गाइस चलते हैं थोड़ा, और उसके बाद और भी कुछ इंटरेस्टिंग प्लान मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ आएगा तो ज़रूर दिखाएंगे। और आप लोग भी आपका पूजा वाला अगर कहीं पे ट्रिप वगैरह किए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखो कैसे आता है इस लाइन पे बस, यही दिक्कत है बस ट्रक इस लाइन पे ना, मतलब ट्रक से ज़्यादा बस वालों की इस लाइन अपना मन मर्जी कहीं पर भी घुसा देता है। भाई हमारा मित्र पीछे कहाँ रह गया, दिख नहीं रहा है हमें मिरर पे। बाकी इसको तो मैंने अभी ऑन नहीं किया, थोड़ी देर बाद चलते ऑन करेंगे चाय साय पीने के बाद, क्योंकि जब से घर से निकले हम लोग चाय नहीं पिए। सो गाइस इस पे अभी हम लोग का चाय ब्रेक लगने वाला है और बाइक को लाइन देकर रख देते हैं। এইটুকু আসতে সময় লেগে গেল, বেশি এতটা সময় লাগার কথা নয়, বেশি সময় লেগে গেল। तो गाइस फाइनली अभी चाय ब्रेक हो गया ख़त्म और अभी बस निकलने का बारी है, सब लोग तैयार हो गया। ওটাকে ভালো করে মিডল নিয়ে না, ওটাকে ভালো করে তোর কোলের উপর বসিয়ে না, হ্যাঁ তারও লাগবে না তোর লাগবে না, ব্যাস এরপর বিন্দাস হাত রেখে ঘুমি যা। अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं पहला वाला फ्लाई ओवर पे। कितना अच्छा हो गया ना भाई ये फ्लाई ओवर बन के, ऐसा फ्लाई ओवर बना दे और रास्ता अच्छा कर दे तो भाई दूर दूर तक मजा ही आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा। फाइनली अभी हम लोग पहुंच गए दीघा, मेरा बाइक लेके फर्स्ट टाइम है और इसका भी दीघा पहला टाइम है। बाकी वाल लोग ऐसे भी तो बहुत बार आ चुके लेकिन बाइक लेके दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दीघा। सो गाइस सामने ही है आपके दीघा गेट, पहला इस बाइक का रोड ट्रिप दीघा से शुरू हुआ, पता नहीं कहाँ कहाँ जाने वाला है और कहाँ कहाँ नहीं जाने वाला है, क्या होने वाला है। तो फिलहाल तो पहला रोड ट्रिप इस बाइक पर मेरा दीघा ही है, उसके बाद देखते हैं। बाकी अभी तो आई एम मोर देन हैप्पी गाइस, क्योंकि ये 100 या 150 जो भी हो ये किलोमीटर ही मेरे लिए बहुत है। ऑल द फैमिली से तो छोड़ता नहीं है, मतलब इस बार भी बोला था फिर भी हम लोग ने जैसे तैसे मैनेज किया। वाह भाई भाई क्या लग रहा है भाई,
इट्स ब्यूटीफुल मैन ऑसम। इसके सामने एक बार बाइक रख के फोटो निकालने से कैसा होता। सो गाइस फाइनली अभी हम लोग पहुंच गए दीघा गेट में और इधर से देखो फोटो शूट के साथ साथ कैसा फोटो का पोज दे रहे देखो। ये उसका फोटो का पोज ठीक है। बाकी अभी इधर से हम लोग मुहाने की तरफ ढुकेंगे, थोड़ा एक दो रील बनाना है, उसके बाद होटल में चेक इन करेंगे। जैसे चेक इन में टाइम है अभी अभी सारे फोटो वोटो खींच लिया और लुक एट द गेट ब्रो। है ग्रुप एट तू सबाई मिले दाड़ी है अभी तुले दी थी अपर हमें तुल भी ग्रुप फोटो वोटो खींचते क्योंकि बाइक लेके कार वगैरह लेके बहुत अच्छा है। बाइक का जो मज़ा है ना वो कहीं पर भी मज़ा नहीं है। सो दिस समथिंग डिफरेंट। सो अभी फोटो वोटो खींचते उसके बाद आगे जाओ। सो गाइस लुक एट द व्यू गाइस, कितना खूबसूरत कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना मेरा राइट साइड में। इसके साइड से भाई बाइक चलाने का जो मज़ा है गजब। ओहो क्या खूबसूरत लग रहा है भाई। शायद से इधर भी रुकेगा क्योंकि हाँ रुक गया नहीं रुका। ओ भाई बहुत ही बढ़िया पैसे दाड़ी है। ओहो क्या लग रहा है गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है भाई, एक नंबर लग रहा है। एक बार मैं आपको उधर से दिखा रहा हूँ कितना ब्यूटीफुल लग रहा है भाई। ओहो फाइनली गाइस दिखा, वाओ। अब उसमें बाइक चलाने में जब मजा आएगा ना भाई, और देखो बाइक कितना अच्छा लग रहा है ना मेरा, ऑसम ऑसम। चलो होटल पे चलते हैं उसके बाद आप लोग से मिलता है।